साहब बैठिए, आप इधर जाइए आराम से। आप लोग किन भी जगह सबको अब सब लोग पहले खाना खा लो भैया, उनको आराम कर रहे। तो वो कहते हैं एक को आने दिया, हमें नहीं आने दिया। अंधेरा कर देंगे, आप ही ने मना किया सर, आप ही ने कहा है ना लाइट बंद करने की। लाइट आप कह रहे हैं एक आदमी जाएगा बेटा, बाहर आ जाएंगे जब बात की बात कर लेना। परेशान है वो, आप परेशान नहीं समझ सकते किसी की भी है। अरे तक आए हुए 10 मिनट इंतजार करिए, बाथरूम भी जाएंगे, आएंगे बैठेंगे भी। आप लोग आकर आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। यहाँ कम से कम मैं 10,000 का मजमा जुटाने वाला था, पहले उन्होंने मना कर दिया था कि तबीयत बहुत खराब है और मैं यहाँ साहब आदमी भाषण नहीं दे पाऊँगा, तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। पहले ही से कह रहे हैं कि मैं आते ही बिस्तर पर गिर जाऊँगा, सुखाऊंगा नहीं। अब उन्होंने कहा है कि मीडिया के भाइयों से बोल रही है कि मैं सुबह 7:30 तक हरदोई में 5 मिनट में रुक के बाइक से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। वैसे ठीक है। अच्छा ये बताइए मीडिया का सफर कर रहे हैं, मीडिया वालों को धक्के मारे गए, यहाँ धक्के मार के कमरे से निकाला गया, क्या मतलब है? तरीके से मीडिया को धक्के देना, अगर मीडिया नहीं है आपके पास। आज से अरविंद केजरीवाल जी की 2014 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ है और 3 दिवसीय अभियान में आज लगभग 8 लोकसभा क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल जी की यात्रा निकली है, झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ यात्रा। सुबह 7 बजे से हम लोग कौशाम्बी गाजियाबाद से निकले हैं और लगातार गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, उसके बाद बरेली, आंवला से होते हुए शाहजहांपुर और फिर ये शाहबाद के स्थान पे हम लोग पहुंचे हैं। बांटो और राज करो की जो राजनीति की जा रही है, उस राजनीति को खत्म करके जनता के बुनियादी सवालों को राजनीति के केंद्र में लाना है और उत्तर प्रदेश में जनता का बुनियादी सवाल है बिजली का संकट, भ्रष्टाचार, किसी भी सरकारी विभाग में बगैर रिश्वत के काम नहीं होता। ये सारे मुद्दे हैं और इसके साथ साथ जो नफरत की राजनीति हो रही है, उस नफरत की राजनीति को भी खत्म करना है।
पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले दो सालों के अंदर अखिलेश यादव जी की सरकार में 121 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे हो चुके हैं। और एक तरफ मोदी जी हैं जो मुजफ्फरनगर के दंगा कराने वालों को, विधायकों को मंच पर बुला के सम्मानित करते हैं, दूसरी तरफ मुलायम सिंह जी हैं जो कभी परिक्रमा के नाम पे, कभी मुजफ्फरनगर के नाम पे राजनीति करते हैं। तो इस प्रकार की राजनीति को भी खत्म करना हमारी एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश की जनता से हम अपील करेंगे कि आप ये जो परंपरागत धनबल और बाहुबल की राजनीति है, इसको नकार कर एक ईमानदार पार्टी के साथ आइए, एक साफ सुथरी पार्टी के साथ आइए और इस लड़ाई में साथ दीजिए। अच्छा, मोदी को घेरने के लिए गुजरात से कब अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जी गुजरात भी जल्द ही जाने की तैयारी कर रहे हैं और गुजरात में भी प्रचार अभियान पार्टी का शुरू होगा, वहाँ भी अरविंद केजरीवाल जी जल्दी ही जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग भ्रष्टाचार के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंबानी जी पे निशाना साधते हैं, लेकिन सहारा के 20,000 करोड़ के घपले को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से कोई बात नहीं आई है सामने निकल कर। देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ था और उसकी अवहेलना की। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत पहले आ चुका था कि 20,000 करोड़ रुपये की उनको भरपाई करनी चाहिए सुब्रतो राय सहारा को। उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया और तब ये गिरफ्तारी हुई है। तो न्यायालय की एक प्रक्रिया पहले से चल रही थी जिसके कारण सुब्रतो राय सहारा की गिरफ्तारी हुई है। भ्रष्टाचार के हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़ के बोलती है, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो मुकेश अम्बानी का भ्रष्टाचार हो। गैस के दाम $8 होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से और उससे करीब करीब हिंदुस्तान की जनता को 54,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और वो 54,000 करोड़ रुपए इतना बड़ा धन, इतनी बड़ी धनराशि है कि पूरे देश की मनरेगा योजना चल सकती है उतने पैसे में। स्कूल बन सकते हैं, कॉलेज बन सकते हैं, मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं, सड़कें बन सकती हैं, लेकिन इतना पैसा एक ही आदमी को लूटने और भ्रष्टाचार करने के लिए दिया जा रहा है। तो इस राजनीति के खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। बल्कि मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी से कि उनकी पार्टी की सरकार है राजस्थान में और रॉबर्ट वाड्रा ने अवैध ढंग से राजस्थान के अंदर भी जमीनें कब्जा कर रखी हैं, यही भाजपा चिल्ला रही थी अभी कुछ दिनों पहले तक। तो राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ आज तक, क्यों ऐसा हो रहा है? दोनों लोग, चाहे वो राहुल गांधी हों चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, ये बड़े बड़े जो उद्योगपति घराने हैं जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, जिसमें मुकेश अंबानी शामिल है, जिसमें DLF शामिल है, इनके साथ मिलके कितनी सीटों मिलेंगे उत्तर प्रदेश की? सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक बात बताइए, अगर अच्छी सीटें आ जाती हैं तो क्या आप किसी से गठबंधन करेंगे? किस पार्टी से गठबंधन करेंगे? और वह पार्टी कैसी जी? जो पार्टियां भ्रष्टाचार के मामले में प्रतियोगिता कर रही हैं, वो कह रहे हैं साहब आपके यहाँ अगर कड़माड़ी है तो हम येद्रप्पा को लेके आ रहे हैं, आपके यहाँ अगर कोई अपराधी है तो विट्ठल भाई राडडिया, कांग्रेस का सांसद था, उसने टोल प्लाजा पे गुंडागर्दी की, बंदूकें लहराई, आप ही लोगों ने टीवी चैनल पे दिखाया, मोदी जी ने कहा तुम कांग्रेस में ठीक नहीं हो, हमारे साथ आ जाओ। तो दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार के मामले में, अपराधीकरण के मामले में एक जैसा चरित्र है। सर, आपको ये नहीं लगता कि आप लोग भी उन्हीं पार्टियों के इशारों पर चल रहे हैं? जैसे अभी यहाँ कोई अनुशासन नहीं दिखा, मीडिया के साथ मुक्ति दी गई, आपको ये नहीं लगता आप भी उन्हीं लोगों की राह पे चल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बड़ी विनम्रतापूर्वक और माफ़ी चाहते हुए कहना चाहता हूँ, 7:00 से अरविंद जी निकले हैं, शुगर के मरीज हैं आप सारे प्रबुद्धजनों को अगर किसी प्रकार से कोई तकलीफ हुई मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज पुलिस लेकिन कई बार लगातार 14-15 घंटे से रास्ते में चल रहे हैं, जगह जगह बोलना पड़ रहा है, जगह जगह लोग रोक रहे हैं, खुद भी हम लोगों को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है, तो इसके कारण थके हुए थे और वो आराम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए कि हमारा कांग्रेस से किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं था। खुलेआम हम लोगों ने 18 मुद्दों के ऊपर चिट्ठी लिखी थी और सिर्फ कांग्रेस को नहीं BJP को भी लिखी थी और उनसे स्पष्टीकरण मांगा था कि इन मुद्दों पे आपकी राय क्या है। कांग्रेस ने कहा हम इन मुद्दों पे आपका साथ देंगे, हमने कोई गठबंधन नहीं किया,
और सत्ता में आने के बाद चाहे वो शीला दीक्षित के खिलाफ 5 FIR दर्ज करने का मामला रहा हो, चाहे वीरप्पा मोइली के खिलाफ FIR दर्ज करने का मामला रहा हो, मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR दर्ज करने का मामला रहा हो, लगातार हम अपने काम करते रहे हैं। ये जरूर देश ने देख लिया दिल्ली की विधानसभा में पहली बार कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लोकपाल का कानून बन रहा था तो अंबानी के 40 भाइयों ने कहा हम 40, 32 भाजपाई, 8 कांग्रेस आई, अंबानी के 40 भाइयों ने जन लोकपाल नहीं बनने दिया। तो इसके कारण नैतिकता के आधार पर अगर हमारी सरकार लोकपाल नहीं बना सकी तो अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी को तय करना है कि शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वालों के साथ जाना है, कोयला का घोटाला करने वालों के साथ जाना है, जिस प्रकार से येदुरप्पा ने कर्नाटक को लूटा उनके साथ जाना है, जिस प्रकार से आज बाबू बुखेरिया जैसे अपराधी मंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल है उनके साथ जाना है, या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ आना है। सर, अगर जनता को ये बताइए, भारती की और पुलिस और विदेशी महिला वाले मामले में आज पुलिस को क्लीन चिट मिल गई, अगर अब आप क्या करेंगे इसके आगे? ये आप लोगों की खबरें हैं, अभी किसी प्रकार की जानकारी हम लोगों को नहीं है कि क्लीन चिट कहाँ मिली, अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। अगर और जो हमारी जानकारी है उसमें तो जो स्थानीय लोग थे जो बार बार एप्लीकेशन दे रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि हमारे इलाके में सेक्स और ड्रग्स का रैकेट चलता है, उनका बयान नहीं लिया गया आज तक, तो किस आधार पर ये रिपोर्ट आई है? पहले वो रिपोर्ट सामने आ जाए तो उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जो वहाँ पे धंधा चल रहा था वो पुलिस के समर्थन से चल रहा था। ए मोबाइल बंद करो पीछे वाला।